कश्मीरी पंडितों के दुख को पर्दे पर उतारती फिल्म द कश्मीर फाइल रिलीज हो चुकी है और पहले ही दिन अनुपम खेर की फिल्म ने उम्मीद से कई गुना ज्यादा प्रदर्शन कर सबको चौंका दिया है। 11 मार्च शुक्रवार को अनुपम खेर ने 3.5 करोड़ की ओपनिंग ली है, जो कि प्रभास पूजा हेगड़े की फिल्म राधे श्याम की ओपनिंग से भी ज्यादा है। ये दोनों ही फिल्में क्लैश कर रही थी। इसी के साथ अनुपम खेर स्टारर विवेक रंजन अग्निहोत्री की इस फिल्म ने साफ कर दिया है कि सही ट्रेलर, प्रोमो और प्रमोशन का फिल्म की ओपनिंग पर कितना असर पड़ सकता है। द कश्मीर फाइल भले ही एक तय दर्शकों को टारगेट करती फिल्म हो, लेकिन इसका ट्रेलर जब से आया तब से फिल्म के लिए उत्सुकता थी। द कश्मीर फाइल के ट्रेलर को देखने के बाद फिल्म को देखते ही उत्सुकता फिल्म की ओपनिंग कलेक्शन पर साफ साफ नजर आई। इस कलेक्शन के आगे प्रभास और पूजा हेगड़े का स्टारडम भी फीका पड़ गया। इसके साथ ही अनुपम खेर की फिल्म ने ओपनिंग के साथ ही 2022 का सबसे बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। द कश्मीर फाइल्स ने शुक्रवार को थिएटर में 41% ऑक्यूपेंसी दर्ज कर हर किसी को चौंका दिया है। इसके साथ ही ये फिल्म 2022 में सबसे बड़ी ऑक्यूपेंसी के साथ ओपनिंग करने वाली फिल्म बनी। इससे पहले ये रिकॉर्ड था आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई के पास, जिसने बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग के दिन केवल 29% ऑक्यूपेंसी दर्ज की थी। द कश्मीर फाइल का 41% ऑक्यूपेंसी का आंकड़ा हैरान कर देने वाला है।